हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सब? बेटा बिल्कुल हाँ, मैं आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ। हम लोग आए हैं नीट 2021 की तैयारी के लिए, है ना। और मुझे उम्मीद है कि सीरीज आपको पसंद आएगी, नाम भी तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, काफी दिनों के बाद हम लोग लाइव सेशन कर रहे हैं और अब हम नीट 2021 के लिए तैयारी शुरू करेंगे। जैसे नीट 2020 में हमने काफी सारे क्वेश्चन, काफी सारे सेशन किए थे, है ना, वैसे नीट 2021 के लिए बेटा ये जो सीरीज है ये एब्सोल्युटली फ्री होगी यूट्यूब पे। अभी तो ये सीरीज जो मैं चला रहा हूँ बेटा, मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। ये सीरीज चलेगी मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। देखिए 2020 में अगर आपने तैयारी की होगी, इस चैनल पे आप जुड़े होंगे, तो आपको ये देखना है कि आप में क्या कमियां रह गई, उन्हीं कमियों को हमें दूर करना है नीट 2021 के लिए। और टाइम बहुत ज्यादा हमारे पास नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा साल हमारे पास तैयारी करने के लिए नहीं, केवल हमारे पास 7 मंथ का टाइम है, 7 महीने का समय है, ठीक है। तो भौकाली का मतलब भौकाली का मतलब होता है कि भौकाल, है ना। रागिनी, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर टेस्ट में आपका नंबर आता है तो उतना नंबर आपका एग्जाम में भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। सर्वेश थैंक यू बेटा। अच्छा कार्तिकीय, बेटा कार्तिकीय कितना मार्क्स आया आपका? आपको मैंने देखा है लाइव सेशन में, आप लगातार रहे हैं। हाँ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, आज आज क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आज कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, है ना, इस सेशन में, जो एक सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तो ये एक सेशन है, हो सकता है आगे हम इस सेशन का नंबर और बढ़ाएं यूट्यूब पे, है ना। अभी तो एक सेशन ये डेली चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे ये सेशन होगा बेटा आपका। भौकाली सीरीज मंडे टू फ्राइडे चलेगी, इसमें आपको अपना भौकाल दिखाना होगा, ठीक है। मैं भी अपना भौकाल दिखाऊंगा, ठीक है। उमेश राठौर, बेटा कौन से वीडियो की बात कर रहे हो? मेरे वीडियो तो 2-4-5 ही मिनट के आते हैं। आज ही का वीडियो कितनी देर का था जो मैंने बनाया था? 5 मिनट का वीडियो था, और क्या चाहते हो, मतलब कुछ सेकंड का बनाया करें कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गंगवार इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है, और बाय बाय बच्चों, बस इतनी वीडियो बनाया करूं। अनुराग सर, बेटा प्रीमियम क्लास अभी चूंकि 2 सेशन उनके चल रहे हैं, प्रारंभ बैच के 2 सेशन चल रहे हैं और अभी संकल बैच के 2 सेशन, तो 4 क्लास उनके ऑलरेडी हैं, है ना, इसलिए वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन वो मेंटी कराने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। आप सब क्या चाहते हो? हिंदी में? हाँ हिंदी में तो पढ़ा रहा हूं। अच्छा तो पहले मैं बता देता हूं कि ये इस बैच में टाइमिंग में बता देता हूँ, शाम को 8 बजे होगा ये मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अभी तो मैंने प्लानिंग कर रखी क्वेश्चन कराने के लिए, है ना, क्वेश्चंस मैं इसमें आपको कराऊंगा, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 90 क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं 30-40 मिनट के अंदर, क्योंकि आपकी स्पीड इतनी बन चुकी है। कौन बच्चे कर सकते हैं? जो नीट 2020 के लिए तैयारी कर चुके हैं, है ना, और नीट 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे नए भी हैं वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी शुरू किया जाए? हाँ बेटा मैं प्लान कर रहा हूँ इसके लिए, अभी तो हमने बायो का स्टार्ट किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। क्लास बेटा आज से स्टार्ट हो रही, भोकाली बैच आज से शुरू हो रहा है, 28 सितंबर, 28 सितंबर, और पूरे 7 महीने, यानी जब तक आपका नीट 2021 नहीं हो जाता है तब तक ये बैच चलता रहेगा, है ना, यहां से लेके नीट 2021 तब तक ये बैच चलता रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे के लिए कुछ और प्लानिंग हम करेंगे, है ना। और अगर आप चाहो तो इस बैच में हम एक 15 मिनट की मेंटी भी करवा सकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो। संकल्प बैच की टाइमिंग बेटा, संकल्प बैच की टाइमिंग रहेगी, संकल्प बैच के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। संकल्प बैच शुरुआत तो इसकी हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर से, इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं संकल्प बैच,
ठीक है, संकल्प बैच में टाइमिंग रहेगी बायो के लिए, बायो में टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 8:30 से 8:30 से। दूसरा जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की टाइमिंग रहेगी शाम को 5 बजे। और जो फिजिक्स की टाइमिंग होगी बेटा, फिजिक्स की टाइमिंग हो जाएगी शाम को 6:30 बजे। ठीक है, ये 3 टाइमिंग रहेंगी। फीस की बात करें तो बायो की फीस है 3,000, बाकी दोनों की 2,000 रुपये फीस है केवल, यानी टोटल फी है 7। लेकिन अगर तीनों सब्जेक्ट आप एक साथ ज्वाइन करते हैं तो 6K में आपको मिल जाएगा, और अगर आपने नीट 2020 प्रीमियम लिया था तो आपको 5K में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं, और इसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स थ्योरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एनसीईआरटी के बाहर हर चीज हम कवर करेंगे संकल्प बैच में। टेस्ट रेगुलरली आपके होंगे संडे संडे को, है ना, और कंबाइंड टेस्ट भी हम लोग करेंगे। ऑफलाइन क्लास का बेटा अभी नहीं पता है। अच्छा, बायो को भी इवनिंग में कर दिया जाए, चलो देखते हैं बेटा। नहीं बेटा, सारे लाइव होंगे, संकल्प बैच भी लाइव चलेगा और जो प्रारंभ बैच हो तो लाइव चल ही रहा है ना, प्रारंभ बैच लाइव चल रहा है, संकल्प बैच भी लाइव ही चलेगा, है ना। प्रारंभ बैच की टाइमिंग मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, प्रारंभ बैच की टाइमिंग क्या है। सबसे पहले टाइमिंग है केमिस्ट्री की 10:00 बजे, फिर दूसरी टाइमिंग बायो की है 11:30 बजे, और फिर तीसरे नंबर पे फिजिक्स की टाइमिंग 1 बजे। अभी फिलहाल अनुराग सर 2 बजे कर रहे हैं, लेकिन ये 1 बजे टाइमिंग होगी। ठीक है, फीस की बात करें तो 5K, 5K मतलब 5,000, 5,000 और ये 10,000। अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हो तो 15,000 में आपको मिल जाएगा, और अगर आपने प्रारंभ बैच ज्वाइन किया है तो ये जो संकल्प बैच है ये आपको फ्री में मिल जाएगा, इसके लिए फिर कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करती। हाँ, आरटीएस भी जल्दी शुरू करेंगे बेटा, टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू करेंगे बेटा। ये जो क्लासेस हैं प्रारंभ और संकल्प बैच, ये प्रीमियम क्लासेस हैं, है ना, और ये हमारे ऐप पे चलेंगी। बाकी जो भौकाली बैच है ये हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये यूट्यूब पे करेंगे, और भी कई सारे बैच हम यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भौकाली बैच फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अनुराग सर के पास टाइमिंग नहीं बेटा इसलिए, है ना। तो भौकाली बैच में टाइमिंग मैंने बता दी 8 बजे होगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ये जो बैच होंगे बेटा मंडे टू सैटरडे चलेंगे आपके संकल्प और प्रारंभ बैच, और संडे को आपका टेस्ट होता है। जैसे प्रारंभ बैच में बायो के 4 टेस्ट मैंने करवा भी दिए, है ना। टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू करेंगे बेटा, इंग्लिश मीडियम में होगी लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं होगी। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने 2020 का एग्जाम दिया था, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट 2020 नहीं दिया, एकदम फ्रेशर हैं। संकल्प बैच कैसे ज्वाइन करना है बेटा, संकल्प बैच ज्वाइन या प्रारंभ बैच ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, नीट बूस्टर ऐप डाउनलोड करना है आपको केवल। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से नीट बूस्टर ऐप डाउनलोड करिए, और संकल्प बैच में जाके आप पेमेंट कर दीजिए। कोई भी अगर दिक्कत होती तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए, 8960582582, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, अच्छा, हाँ बेटा अनुराग सर के पास टाइम होगा तो जरूर वो भी भौकाली बैच अपना शुरू करेंगे, है ना। अच्छा मनोज, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ज्यादातर बच्चों ने यानी दिया था। ओके, ज्यादातर बच्चों ने दिया था। बेटा भौकाली बैच में मेरा मेन जो टारगेट वो क्वेश्चन के लिए है, क्योंकि थ्योरी मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्रैश कोर्स अपलोड कर रखा है, क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट है बेटा, और क्रैश कोर्स के सभी 38 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए, पूरे 38 चैप्टर।
एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की है, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप यहां से थ्योरी कवर कर लो, ठीक, क्रैश कोर्स से, और फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन तुम लोग कैसे चाहते हो, तुम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चन चाहते हो या चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहते हो, ये भी मुझे बता दो जल्दी से, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हो। या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम चैप्टर वाइज कर लें और फिर हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर लें, चैप्टर वाइज कर लें, फिर यूनिट वाइज कर लें और फिर मिक्स टाइप के क्वेश्चन कर लें, इस तरीके से हम कर लें ना। तो अभी तो मैं आपका एक सिंपल सा टेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपने नीट 2020 के लिए पढ़ा था, मैं मिक्स टाइप के क्वेश्चन आज आपको कराऊंगा। इससे आपको भी पता चलेगा कि पिछले जैसे 13 सितंबर को एग्जाम हो गया, 12 सितंबर तक तो आपने पढ़ाई की ही है, और 12 सितंबर के बाद आज 16 दिन हो चुके हैं, आपने क्या पढ़ाई की ये पता भी चल जाएगा थोड़ा बहुत इसमें, है ना। तो बेटा हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है। देखिए भौकाली बैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। कौन सा चैप्टर सबसे पहले आप करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, फिर हम यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन करेंगे और फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, और मैराथन तो होंगी फिर, है ना, फिर मैराथन सीरीज हम लाएंगे यहाँ पर, मैराथन, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है डाउट तो हो गए हैं बेटा। अमृता कशोधन, बेटा मैंने आपको बताया ना कि हमने लास्ट ईयर क्रैश कोर्स को अपलोड कर दिया बेटा नीट 2020 के लिए, ठीक है। नीट 2020 के जो क्रैश कोर्स मैंने अपलोड किया था वो नीट 2021 के लिए भी होगा, और मैंने 12 घंटे में पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाई है, 12 घंटे में। ये वाली वीडियो भी आप सभी लोग देखिएगा, 12 घंटे में जो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें से नीट में 85 क्वेश्चन आए थे 90 में से, 12 घंटे में। तो ये वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो क्रैश कोर्स बेटा मैंने करा दिया, उसमें एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन मैंने पढ़ा दिया है, उसको आप देख सकते हैं। यहां पर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है ना। पहले क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करेंगे, फिर यूनिट वाइज करेंगे और फिर हम मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो यूनिट तुम लोग, अच्छा कुछ लोग जेनेटिक्स कह रहे हैं, हाँ चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियो से शुरू कर सकते हैं, ह्यूमन फिजियो से प्रारंभ बैच में फीस बेटा 3 बार आप सब 3 बार में सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलसबा, अलसबा करें 12 घंटे वाली वीडियो बहुत हेल्प की कसम से, वाह गुड और थैंक यू बेटा। मोहम्मद इदरीस, 2021 में पेपर कैसा होगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे, है ना। चलिए बहुत दिन हो गए हम लोग को ये सेशन किए हुए, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एनटीए का मॉक टेस्ट भी आपको करा दूंगा। एनटीए के करीब 80 मॉक टेस्ट मैंने कराए थे, 25-30 मॉक टेस्ट बाकी, तो अभी चाहो तो मैं वो एनटीए के मॉक टेस्ट भी आपको करा दूंगा, लेकिन अभी बैच हमारे पास केवल एक है, भौकाली बैच। इसमें जो भी आप चाहो मैं आपको करा दूं, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहो तो मैं करा दूं, एनटीए का मॉक टेस्ट चाहो तो मैं करा दूं। एनटीए के मॉक टेस्ट में मिक्स टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन करें या फिर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करें, आप मुझे बताओ, या एक पोल इसके लिए कर लेते हैं, ठीक है, एक पोल इसके लिए कर सकते हैं। मेंटी के लिए भी प्लान कर रहा हूँ बेटा, कल से मैं मेंटी भी रखूंगा, 15 मिनट की एक मेंटी कराऊंगा और 15 मिनट की मेंटी में 40-45 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। ये तो आप देख ही चुके होंगे कि 12 घंटे में अगर बायो खत्म हो सकती है ना, तो भोपाल तो आपको पता ही चल गया होगा सर का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा पहला क्वेश्चन है कि कैटेगरीज लाइक स्पीसी जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ स्पीसीज जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ, क्या आंसर करोगे। ज्यादातर बच्चों का आंसर डी हो रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, सिमिलर कैरेक्टर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और एनसीईआरटी की लाइंस में आप गलती कर रहे हैं। सोचिए आप एनसीईआरटी की जो लाइन है उनमें गलती कर रहे हैं, ये चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है जहां पर आंसर है सी, सिमिलर कैरेक्टर के आधार पे स्पीसी जीनस और फैमिली को कैटेगराइज किया जाता है,
पहला सवाल आपने ज्यादातर ने गलत किया है। चलिए, देयर आर सम स्टेजेस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की कुछ स्टेज दी गई हैं, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है सक्सेशन में। बेटा आप साल भर हमारे साथ में जुड़े रहिए, नीट 2021 जिस दिन होगा ना उसके एक दिन पहले मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के 38 चैप्टर करा दूंगा और अगले दिन वही सब आएगा, लेकिन इसके लिए साल भर आपको जुड़ना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अब ये मत सोचना कि साल भर आप सोते रहो और एक दिन आखिरी में आओ कि सर आप आज 38 चैप्टर करवा दीजिए और कल हम ये पेपर में आ जाएगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं पॉसिबल है। इसके लिए साल भर आपको एफर्ट करना पड़ेगा, है ना, तभी आपको रिवीजन समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया आंसर आपने, सबसे पहले क्या होगा, फाइटोप्लैंकटन आ जाएगा, यानी एफ। फाइटोप्लैंकटन के बाद क्या आ जाएगा, फाइटोप्लैंकटन के बाद सबमर्ज प्लांट स्टेज, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, देन आरएमएस यानी रीड स्वैम्प स्टेज, मार्स मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज और लास्ट में फॉरेस्ट आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 2 का डी हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए कॉलम मैच करिए, एक तरफ आपको किंगडम दिया गया और एक तरफ एग्जाम्पल आपको दिए, कुछ क्वेश्चन बहुत सीधे हैं बेटा, हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, और कौन सी हिंदी बोलूं मैं, किंगडम को किंगडम ही कहते हैं, एग्जाम्पल को उदाहरण कहते हैं, तो किंगडम को उदाहरण से मैच करना है आपको, बताइए। किंगडम को जगत कहते हैं, जगत को उदाहरण से मैच करो। चलो जल्दी से, मोनेरा, मोनेरा का मेंबर कौन है, मोनेरा का मेंबर कौन है, क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया, है ना। प्रोटिस्टा का मेंबर कौन है, क्लोरेला। फंजाई का मेंबर कौन है, क्लेविसेप्स। प्लांटी का मेंबर है, कस्कुटा। और एनिमेलिया का मेंबर है, कोरल। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A4 B1 C5 D3, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। फरहान बेटा बायो की फी अगर आप प्रारंभ बैच में करते हैं तो 10,000 है, और अगर आप संकल्प बैच में करते हैं तो 3,000 है। कैरिंग कैपेसिटी एज, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बताइए, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 4, मनोज सोनी कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं समझ आ रहा, बेटा ये जिन बच्चों ने पढ़ाई की उनको समझ में आएगा, ठीक है। हाँ पीडीएफ दे दूंगा बेटा, तुम लोग पीडीएफ के लिए ज्यादा परेशान रहते हैं। अच्छा, दो कमेंट आ रहे हैं, एक उदित का कमेंट आ रहा है हिंदी में बोलिए, और नीलम का कमेंट आ रहा है सर कैन से इन इंग्लिश, बताओ मैं क्या करूं। प्रीतम कह रहे सर आप हिंदी में भी क्वेश्चन कराया करो, मैं एक ही इंसान हूं बेटा, मैं क्या क्या करूंगा बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन ए गिवन हैबिटेट टू सपोर्ट ए सर्टेन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइए। पहला ऑप्शन है कैट एंड डॉग इंक्लूडेड इन सेम ऑर्डर, बिल्कुल सही है, सेम ऑर्डर इनका क्या है, दैट इज कार्निओरा, कार्निओरा ऑर्डर में दोनों रखे गए। कैट एंड टाइगर इंक्लूडेड इन सेम फैमिली, ये भी सही है, फैमिली इनकी फेलिडी हो जाएगी। गोरिल्ला, कल के लिए हम एक चैप्टर आपको दे देंगे, उसको आप रिवाइज करिएगा और फिर हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। गोरिल्ला एंड गिब्बन आर प्लेस इन द सेम क्लास, गोरिल्ला और गिब्बन को एक ही क्लास में रखा गया है, गोरिल्ला और गिब्बन को एक ही क्लास में रखा गया, बिल्कुल सही है, मैमेलिया क्लास में रखा गया गोरिल्ला और गिब्बन को। फिर करें पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द सेम जीनस, पिटूनिया और धतूरा दोनों अलग अलग जीनस के हैं, पिटूनिया का जीनस पिटूनिया और धतूरा का जीनस धतूरा है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म में कौन सी फ्रूटिंग बॉडी पाई जाएंगी, ये पता लगाने के लिए पहले आपको इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, पहले आपको इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। कल ऐसा करते हैं कि कल मैं आपको करवाता हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस चैप्टर को आप रिवाइज करिएगा, क्रैश कोर्स जो मैंने अपलोड किया है, और फिर इस चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक बेटा,
नहीं, प्रीतम कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब ये पहले फिगर पहचानो कि फिगर किसका है। यस नीलम, बिल्कुल सही आंसर है, ये एस्परजिलस का फिगर है बेटा। एस्परजिलस, ये एस्परजिलस का फिगर है। और एस्परजिलस किसका मेंबर है? एस्कोमाइसीट का मेंबर। और एस्कोमाइसीट है तो फिर यहां पर एस्को कार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी मिलेगी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? नंबर का इन्वर्टेड पिरामिड किस इकोसिस्टम में मिलेगा? थैंक यू नीलोफर, थैंक यू बेटा। 86 आपका बायो में से हो, टोटल कितना है बेटा आपका? शशांक गुप्ता, केमिस्ट्री का सिलेबस पूछना है कब कंप्लीट होगा? बेटा जितनी जल्दी हो सकेगा कि आपकी समझ में भी आए हर एक बात, और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कंप्लीट करा के। प्लान ये है कि कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री चार चार बार आपको रिवाइज कराया जाए, और बायो तो कम से कम मैं 20 बार आपको रिवाइज करवा दूंगा। बायो में कम से कम 20 बार आपको करा दूंगा संकल बैच में। अभी शुरू करते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि 2-4 हजार रुपए के चक्कर में पूरा साल बर्बाद मत करिएगा। 2-4 हजार बचाने के चक्कर में पूरा साल आप बर्बाद कर देते हैं, तो ये काम आप मत करिएगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कहां पर पाया जाता है? इन्वर्टेड ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर होता है, और मैरीन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास पाया जाता है। विच स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड? फूड को स्टोर करने में कौन सा पार्ट यूज होता है? प्रीतम कुछ दिन आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आने लगेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप कुछ दिन पढ़िए, आपके समझ में आने लगेगा। 2-4 दिन आप सेशन करेंगे, आपके समझ में ये भी आने लगेगा। ठीक, ये कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी है। तो फूड को स्टोर करने का काम कौन करता है? क्रॉप करता है। गिजर्ड बेटा ग्राइंडिंग का काम करता है। जो बी ऑप्शन कर रहे हो गलत कर रहे हैं बेटा, ग्राइंडिंग का काम गिजर्ड करता है। ठीक है, रेक्टम क्यों कर रहे हो बेटा? फूड को रेक्टम स्टोर करता है, रेक्टम फिसेस को स्टोर करता है, वो भी ह्यूमन में बेटा। ठीक है, ये ग्राइंडिंग करने का काम करता है गिजर्ड, क्रॉप फूड को स्टोर करने का काम। तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो मुझे लग रहा है, खूब तुम लोग नीट देने के बाद से खूब सो रहे हो ना। टैक्सॉन या कैरेक्टरिस्टिक या फिर एक वीडियो तुम लोग सर्च कर रहे होगे, कौन सी कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ बेटा जितना जाना उतना ही जाएगा, तुम्हारे सर्च करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, 590 के ऊपर है तो आप सोचिएगा कुछ इस बारे में। सैफाली थैंक यू बेटा, थैंक यू। यूट्यूब पर बेटा आज से शुरुआत हो चुकी, दीपक गुप्ता आज से शुरुआत हो चुकी। चलो एप्स बताओ, बर्ड की बात करें, एप्स का मतलब बर्ड। बर्ड बर्ड को किससे मैच कराओगे? न्यूमेटिक बोन पाई जाती है बर्ड में, मैमेलिया। मैमेलिया को किससे मैच कराओगे बेटा? एक्सटर्नल ईयर से, है ना। एम्फीबिया डुअल हैबिटेट पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा जो एबसेंट होते हैं, और ऑस्टिक्थिज में एयर ब्लैडर पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए को 4 से आपने मैच कराया है, बी को 3 से मैच कराया है, सी को 1 से मैच कराया है, डी को 5 से, और ई को 2 से। यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डी क्यों किया बेटा? करेक्ट आंसर सी होगा यहाँ पर। तुम लोगों ने कुछ पढ़ाई की नहीं मुझे लग रहा है, जब से नीट 2020 हो गया है ना तुम लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो, या मेरा इंतजार कर रहे थे भौकाली बैच का। प्रज्ञा थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आपको इस बार लगना है कि नीट 2020 में भले ही थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन नीट 2021 में सिलेक्शन लेना है। आपको पूरा ठान लेना है कि नीट 2021 में सिलेक्शन मुझे लेना है, एनी हाउ, कितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़े, कितने भी घंटे मुझे पढ़ाई करना पड़े, लेकिन मुझे सिलेक्शन इस बार लेना है। ये आपको ठान लेना है, और ये हम करके रहेंगे। ठीक है, पिछले 6 महीने में अगर आपने 2020 वाले मेरे सेशन किए होंगे तो आपको पता होगा, और 2021 में उससे भी ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, बायो का टाइमिंग इवनिंग में ही तो बेटा, बायो का टाइमिंग इवनिंग ही तो है, 8 बजे। और क्या चाहते हो, इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। बेटा भूल जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है ना कि आप बार बार चीजों को रिवाइज करो। चलो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इसीलिए किया जाता है कि चीजें आपको ज्यादा याद है। अगर केवल आप पढ़ते रहोगे ना तो चीजें भूल जाएंगी,
पढ़ने के साथ क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। क्या लीफलेट की एक्सिल में बर्ड पाई जाती? नहीं पाई जाती बेटा, लीफलेट की एक्सिल में कभी भी लीफ बर्ड नहीं पाई थी। पल्विनस लीफ बेस इज प्रेजेंट इन सम लेगुमिनस प्लांट, सही है। इन एलेस्टोनिया द पिटियोल एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, गलत है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया कैशिया में होता है। अपोजिट फिलोटैक्सिस प्रेजेंट इन गुआवा, ये सही है। इसका मतलब कि 1 और 3 यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, है ना, 1 और 3 इनकरेक्ट हैं और 2 और 4 यहाँ पर करेक्ट है। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या निकल के आया? ए करेक्ट आंसर आया, डी नहीं है बेटा, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। द लेटरल ब्रांचेज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनिथ द सॉइल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के ही है। कहां पर पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको बताना है। मनु का 533 नंबर आया। टेस्ट सीरीज बेटा जल्दी मैं शुरू करूंगा, ठीक, टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करेंगे, है ना, टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू करेंगे, अभी परेशान मत हो, अभी तो मैंने शुरू किया है बस। हाँ दीपिका बेटा, जैसे क्लासरूम में होता वैसे प्रारंभ बैच में ही डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, उसके जो डेमो लेक्चर हैं वो भी आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, प्रीमियम 2021 के नाम से है, और हमारे ऐप पे प्रारंभ बैच में आप जाओगे तो वहां पर ट्रायल क्लासेस हैं, उनको आप देख सकते हो किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जो संकल्प बैच है जो 1 तारीख से शुरू होगा, उसकी कुछ क्लासेस हम यूट्यूब पे पहले करेंगे ताकि आप देख लो कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पे जो क्लासेस होंगी शुरुआत में 4-5 दिन मैं क्लास कराऊंगा यूट्यूब पे संकल्प बैच की, है ना, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। क्या आंसर आपने किया है? ये कंडीशन कहाँ पाई जाती है? ये कंडीशन पाई जाती है बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथमम। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथमम में कंडीशन पाई जाती है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना, पीसीबी। बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथमम, तो एक ऑप्शन यहाँ पर मैच करेगा, कौन सा? ये पाइनएप्पल के बारे में बात हो रही, पाइनएप्पल, बनाना और क्राइजेंथमम में ये कंडीशन पाई जाती है। प्रारंभ बैच में पीडीएफ बेटा एक तो आपको ऐप पे मिल जाती है, ऐप पे पीडीएफ का एक सेक्शन बना दिया गया, और दूसरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। रिकॉग्नाइज द फिगर, इस फिगर को पहचानी, दिस फिगर शोज द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ। कल से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर पहला आपका है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका क्रैश कोर्स यूट्यूब पे अपलोड है बेटा, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा मन लगा के पूरे चैप्टर को, 1 घंटे में मैंने पूरा क्रैश कोर्स पढ़ा दिया आपको, और उसके बाद कल उसी चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे। क्लियर बेटा? क्लियर है सारी बात? कल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ के आइएगा और फिर उसके क्वेश्चन हम करेंगे। मानसी, अच्छा आपका 589 आ रहा है, 589 आ रहा है, आप शुरू कर दीजिए पढ़ाई। बाकी अगर देखिए कोई बच्चा ऐसा है जिसने फी पे कर दी है और बाद में उसका सिलेक्शन हो जाए तो फी रिफंड कर दी जाएगी उसकी पूरी की पूरी फी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम एक ऐप आता है, उसका एक चैनल गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे। जैसे आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको मिल जाएगी। चलिए बताइए, दिस फिगर शोज द एनाटॉमिकल फीचर ऑफ, किसका एनाटॉमिकल फीचर है आप देखो जरा, यहाँ पर जो मेसोफिल सेल है वो पहले से स्पॉन्जी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, मतलब ये मोनोकॉट लीफ का फीचर आपको दिखाया गया, करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। अंजू के 580 मार्क्स हैं, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, इस नंबर पे आप एक मैसेज कर दीजिएगा, है ना, तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, या रवि अगर अभी देख रहे होंगे तो क्या करेंगे, वो एक लिंक शेयर कर देंगे आपको, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेंगे या इस नंबर पे आप एक मैसेज कर देंगे, एक मैसेज कर दीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। What is the distinguishing feature between male and female cockroach? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मेल और फीमेल कॉकरोच में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी से बताइए।
हाँ, अब देखिए बच्चे यहाँ पर क्या करें, एनल सिराई को आंसर करें, जो कि गलत है बेटा। मेल और फीमेल में जो एक अंतर होता है वो एनल स्टाइल का अंतर होता है, एक एनल स्टाइल का अंतर होता है, दूसरा कोलेटीरियल ग्लैंड का अंतर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी है, बी नहीं है बेटा, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। कोलेटीरियल ग्लैंड जो होती हैं वो मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करती हैं, एक में पाई जाती हैं और एक में नहीं पाई जाती हैं। विच प्रोटीनेसियस कंपोनेंट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली की शुरुआत कौन करता है? दीपिका बिल्कुल बेटा, क्लासरूम की तरह ही प्रारंभ बैच में बेसिक से पढ़ाया जाता है और डिटेल में। आधार बेटा सही करा लो इमरान, अगर आधार पे अलग लिखा है तो आधार तो सही हो जाता है, उसको सही करवा लो वरना दिक्कत हो सकती है। चलो कौन मदद करता है माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली में, कौन मदद करता है? दैट इज माइक्रोटिब्यूल, जो कि प्रोटीनेसियस कंपोनेंट होते हैं, माइक्रोटिब्यूल ये मदद करते हैं असेंबली में। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉलम मैच करते हैं, स्टार्च सीथ यहाँ पर। ये भी आपका जो क्वेश्चन है बेटा ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, जल्दी से मैच कराइए इसको। क्वेश्चन नंबर 15, स्टार्च सीथ कहाँ पाई जाती है? स्टार्च सीथ पाई जाती है डाइकॉट स्टेम में। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं? स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम का कैरेक्टर है। टू और फोर जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? डाइकॉट रूट में पाए जाते हैं। और मोर देन सिक्स कहाँ पर होते हैं? मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या मैच किया आपने, ए को फोर से मैच किया, बी को टू से, सी को थ्री से और डी को वन से, यानी करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 544 पे बीएमएस मिल जाएगा बेटा। अनुराधा 569 है बेटा, तो तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोटिब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम रिकॉग्नाइज द स्टेज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। ये सेल साइकिल का क्वेश्चन है बेटा, सेल साइकिल का। क्या करोगे आंसर? आपसे करें बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम है इक्वेटोरियल प्लेट में है और अपोजिट पोल से स्पिंडल अटैच करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ में, क्या आंसर करेंगे? दैट इज द मेटाफेज वन स्टेज। ये मेटाफेज वन स्टेज की बात कर रहा है, ठीक है, मेटाफेज वन। इन ओसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट विच फेज कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, ओसाइट ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट जैसे एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियन के ओसाइट में कौन सी फेज ऐसी होती जो कई महीने की या कई साल लंबी हो सकती, कौन सी फेज ऐसी बेटा जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तुम लोग गलती आज बहुत कर रहे हो। डिप्लोटीन स्टेज जो होती है वो कई महीने या कई साल लंबी हो सकती है। चलो कॉलम मैच करो यहाँ पर। प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन बनाता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग कौन बनाता है? कंपाउंड एपिथेलियम। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम कौन करता है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। और कम्युनिकेशन जंक्शन मस्कुलर टिश्यू कार्डिक मसल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वन बी फोर, ए वन, ए वन बी फोर, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? ए को वन से मैच कराया, बी को फोर से मैच कराया, सी को टू से और डी को थ्री से। यहां पर फोर होना चाहिए, गलत मैच हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुराधा एससी कॉस्ट के लिए बेटा मान के चलिए कि एससी कॉस्ट में अगर मार्क्स 450 के ऊपर होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन ऑल, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? बायोनीट 2020 बेटा आ जाएगी रूबी, मिड अक्टूबर में आ जाएगी, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास आ जाएगी। तो पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनते हैं तो बेटा उस समय डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या
कंडेंसेशन के द्वारा पेप्टाइड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द प्रेशर विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल। कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए, जल्दी से बताइएगा। एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन ग्रोथ के लिए कौन सा प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज टर्गर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन एंड एनलार्जमेंट ग्रोथ। ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करना है। चलिए जल्दी से मैच करिएगा, देखते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ईयर बताना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 में हुई थी। गॉल्जी बॉडी की डिस्कवरी 1898 में और ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाइजन 1954 में जीएन रामचंद्रन के द्वारा दिया गया था। तो आप देखिए क्या मैच हुआ, ए को आपने 4 से मैच कराया है, बी को आपने 3 से मैच कराया, सी को 2 से मैच कराया और डी को 1 से मैच कराया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 586 पे बेटा 50-50 चांसेस हैं, ठीक है, 50-50 चांसेस हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रिएक्शन अटेन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड। जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर रिएक्शन 50% वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेती, मैक्सिमम वेलोसिटी की, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है, दैट इज नेम्ड एज केएम वैल्यू। इसे केएम वैल्यू कहा जाता है। केएम वैल्यू पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है यानी वी मैक्स बाई 2 ऑब्टेन कर ली जाती है। तो करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा। ज्यादातर बच्चों ने सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है जबकि यहां पर करेक्ट आंसर डी होगा। बेटा तुम लोग बहुत गलती कर रहे हो। बेटा संकल्प बैच प्रारंभ बैच के साथ मिलेगा, बाकी और कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। 589 नंबर पे कॉलेज मिल सकता है बेटा महिमा, ठीक है, 589 नंबर पे कॉलेज मिल सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेटा यूट्यूब पे क्लासेस देखते हैं, प्लान कर रहे हैं इस बारे में, है ना, जल्दी हम सोच तो रहे हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट बाय विच वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड। सॉल्यूट को होने की वजह से वाटर पोटेंशियल में जो कमी आती है दैट इज नेम्ड एज, उसे क्या कहते हैं, दैट इज नेम्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। इसे सॉल्यूट पोटेंशियल कहा जाता है। कॉलम वन और कॉलम टू को मैच करिए, चलिए जल्दी से। फाइलोजेनेटिक सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सब भूल गए तुम लोग। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कीमो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटो टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। एंड कीमो टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, कीमो टैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर बेस होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए को 2 से आपने मैच कराया, बी को 4 से, सी को 1 से और डी को, एक मिनट, ए को 3 से मैच कराया ना, ए को 3 से मैच कराया है, बी को 2 से, सी को 4 से और डी को 1 से। करेक्ट ऑप्शन बी आया बेटा, बी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। 586 पे मिल सकता है बेटा, 580 से जो 590 के बीच में है उनमें 50-50 चांसेस हैं, मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, और मिलेगा तो स्टेट में मिलेगा बेटा, ठीक है। 600 के ऊपर जिसके नंबर हैं उसको स्टेट में तो जरूर ही मिल जाएगा। हाँ 600 पे तो मिल जाएगा बेटा, 600 नंबर पे स्टेट में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस देयर इज वन स्टेप वेयर NADH इज फॉर्म्ड फ्रॉम NAD। ग्लाइकोलिसिस में किस स्टेप पे NADH का फॉर्मेशन होता है, बहुत बढ़िया सवाल है, किस स्टेप पे NADH का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में। क्वेश्चन नंबर 25, जब PGAL से 1,3-BPGA का फॉर्मेशन होता है तब NADH का फॉर्मेशन होता है, क्लियर बेटा। 580 के नीचे तो बेटा बहुत मुश्किल है, ठीक है, 580 के नीचे तो बहुत मुश्किल है इस बार। नोड्यूल ऑफ सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड नाइट्रोजन एस, बढ़िया सवाल है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का। आज मैं
रैंडम क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आपने पिछले दिनों किस तरीके से पढ़ाई की है। हाँ, सोयाबीन फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूराइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है एंड कंपाउंड हैविंग हाई, यहाँ लिखा कार्बन टू नाइट्रोजन, जबकि होना चाहिए नाइट्रोजन टू कार्बन, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसलिए बोथ नहीं करोगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगर यहाँ पर लिखा होता नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो तो ये भी सही हो जाता, तब डी आंसर होता, और आप में से ज्यादातर बच्चों ने डी कर दिया। बोथ देखे नहीं कि जाके तुरंत कूद जाते हो, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों, इतने मासूम हो तुम लोग, भोले बच्चे हो कि मैं क्या बोलूं तुम लोगों को। चलो कैल्सियम बताओ क्या करोगे, आज मैं 30 क्वेश्चन करा देता हूं आपको बस, है ना, और कल का टॉपिक मैंने बता दिया है, क्रैश कोर्स जाइए, क्रैश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई, बायो का क्रैश कोर्स ढूंढिए प्लेलिस्ट में, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 1 घंटे में मैंने पूरा पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए, कल मैं उसके क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसी टाइम पे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन कल से ही कराएंगे बेटा, कल से ही कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए कैल्शियम को मैच करिए, कैल्शियम को किससे मैच करोगे, बोरान को मैच कर लोगे, बोरान रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, मैग्नीज। चलो जल्दी से बताओ, प्लेलिस्ट बेटा क्रैश कोर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई गई, क्रैश कोर्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई गई। कैल्शियम की जरूरत है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के लिए, फास्फोरस की जरूरत है बेटा, फास्फोरस इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है, और मैग्नीज की बात करें तो रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट रेस्पिरेटरी एंजाइम। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हाँ, चैप्टर वाइज कल मैं आपको 75 या 90 या 100 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। नेहा, कल बेटा हम बात करेंगे इस बारे में, है ना, कल चैप्टर वाइज जब क्वेश्चन हम करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। व्हाट विल बी द पॉसिबल लोकेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की लोकेशन क्या होती है आपसे पूछा है, पॉसिबल लोकेशन। ओबीसी के सिलेक्शन के लिए 590 प्लस नंबर होने चाहिए बेटा, और कुछ दिन अभी रुक जाओ, अभी रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है, परेशान मत हो, कल वाला तो फास्ट कराऊंगा बेटा, कल वाला फास्ट कराऊंगा। 580 पे कार्तिकेय बेटा, देखिए मैं बता रहा हूं 50-50 चांस है, मिल भी सकता हूं नहीं भी मिल सकता है। रंभा, हाँ बेटा, बायो की फी प्रारंभ बैच में 10,000 है, और अगर आप संकल्प बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें 3,000 रुपए है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या करोगे, 28 का आंसर स्ट्रोमा लैमेली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सब एनसीईआरटी के पॉइंट मैंने कराए हैं। द नेचर ऑफ हार्मोन दैट हैसन द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ जुवेनाइल कोनिफर, जुवेनाइल कोनिफर के मैच्योरिटी पीरियड को कौन बढ़ाता है, स्पीड अप कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 29। कल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर बेटा मैं आपको कराऊंगा, उसका क्रैश कोर्स आज आप पढ़ लीजिएगा, या एनसीईआरटी खुद पढ़ लीजिएगा, या क्रैश कोर्स मैंने अपलोड किया उसको पढ़ लीजिएगा, और आरटीएस का जो फी होगा बेटा वो केवल 999 होगा, है ना, इतनी फीस होगी केवल। इसमें 30 टेस्ट होंगे, वीडियो सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये लाइव डिस्कशन भी हम कराएंगे हर एक टेस्ट पेपर का, हर संडे टेस्ट होगा, करीब 30 टेस्ट मैं कराऊंगा आपको ये, तो यानी एक टेस्ट की कॉस्ट कितनी, 25-30 रुपए है केवल। नीरज बेटा, एससी कैटेगरी में 401 नंबर आ रहा है तब भी मुश्किल है, 450 नंबर, 440 नंबर के नीचे मुश्किल हो जाएगा इस बार। तो ये है बेटा कौन सा हार्मोन, पहले आप पहचाने कि जुवेनाइल कोनिफर के मैच्योरिटी पीरियड को कौन बढ़ाता है, दैट इज जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, टर्पीन डेरिवेटिव, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर मैच करें साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, साइंटिस्ट और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल,
शिव जी फ्री है तो बेटा फ्री बहुत कुछ है, इस चैनल पे 2000 से ज्यादा वीडियो सब फ्री हैं, ठीक है? सब कुछ फ्री नहीं मिलेगा बेटा लाइफ में, फिर तो आपको कॉलेज भी फ्री ही चाहिए होगा, है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। सब चीज फ्री में चलने लगेगी तो आप क्यों पढ़ाई करोगे फिर? हाँ, इस बार का कट ऑफ ज्यादा जाएगा, वो सब भूल गया मुझे लग रहा है। स्वाति, यूट्यूब पे बेटा कुछ थ्योरी के हम कंटेंट करेंगे, ठीक? अभी तो हमने शुरुआत किया, अभी परेशान मत हो, अभी तो हमने एक बैच शुरू किया मंडे टू फ्राइडे, अभी सैटरडे खाली है, संडे खाली, अभी दो बैच और स्टार्ट हो सकते हैं, अभी इंतजार करो, तुम लोग इतना परेशान होने लगते हो, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, ठीक है? अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। गार्गी करें, इतनी तो फी दे रहे हैं सर, और क्या चाहिए बेटा, कितनी फी आपने दे दी? और मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप फी दो, मत दो ना, आप फी बचा के रखो। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप फी दो, जिसको पढ़ना होगा वो फी देगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो फ्री में ढूंढता रहेगा। संकल्प बैच की फीस बेटा अब है 7000 है, एक साथ अगर तीनों आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ज्वाइन करेंगे तो 6000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है? साधना बेटा, जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे और मेडिकल कॉलेज की एक साल की फीस होगी 50000 रुपये, तो कैसे पे करोगे आप? अगर आप अभी पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए 5000 रुपये नहीं पे कर पा रहे तो मेडिकल कॉलेज की फी कैसे पे करोगे आप? और ये तो फी होगी, फिर रहने खाने का कैसे आप पे कर पाओगे? एम्स और जिपमर के ऐड होने से कट ऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज्यादा बेटा। बायोनीट आप परचेस कर सकते हैं, अमेजन से और फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। संकल्प बैच की शुरुआत हो रही है बेटा 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। बायो नीट बेटा अगर 15 अक्टूबर तक वेट कर लो तो नया एडिशन आ जाएगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए हैं, असर्शन इंजन को हटा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, है ना? तो थोड़ा सा वेट कर लो। सहबाज, 630 पे केजीएमसी नहीं बेटा, 650 पे मिलेगा इस बार। और सेशन को हाँ लाइक करना तो तुम लोग भूल ही गए। आरटीएस बेटा है रिवोल्यूशन टेस्ट सीरीज, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का कंबाइंड पेपर होगा, ठीक, संडे संडे में। बायो नीट में अमित बेटा करीब 15000 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है? रविंद्र, बायो नीट लेने के लिए बेटा आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप जाएंगे, बायो नीट आपको मिल जाएगी। अच्छा अभिषेक करें, संकल्प बैच बायो का टाइम इवनिंग में कर दें, ठीक है बेटा, मैं उसके बारे में देखूंगा। अच्छा तो हम ये कर सकते हैं कि जो संकल्प बैच की बायो की टाइमिंग उसको शाम को कर दें, और जो ये आपका भौकाली बैच इसको सुबह कर दें, है ना? ये भी हम कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर अभिषेक बेटा, सिलेक्शन के बाद खाने का, रहने का, पढ़ाई का थोड़ा बहुत पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। एमबीबीएस की एक साल की जो फी होती है प्राइवेट कॉलेज की, वो 15 से 20 लाख होती है। गवर्नमेंट यही आपको 50-60 हजार रुपए में प्रोवाइड करती, कई कॉलेज की 1-1.5 लाख फीस भी होती है, ठीक है? रुचि, हाँ बेटा अगर पुरानी बायोनेट है तो नई लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है? समा, हाँ बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की डेमो क्लास होंगी यूट्यूब पे, ठीक। 1 अक्टूबर से जो संकल्प है शुरू हो रहा है उसको हम यूट्यूब पे ही शुरू करेंगे, 4-5 दिन के लिए डेमो चलेगा, फिर हम ऐप पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? संकल्प बैच की डिटेल बेटा चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, क्रैश कोर्स कल हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है?
क्रैश कोर्स मैंने अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाके डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जो आपका संकल्प बैच है ये 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करें, ठीक है। 1 अक्टूबर से संकल्प बैच की शुरुआत हो रही है। फीस बहुत मिनिमम रखी गई, केवल उतनी फीस मैंने रखी है जितना हमारे खर्च है, केवल उतनी फी रखी गई है। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, बायो की फी 3,000 है, केमिस्ट्री की फी 2,000 है, फिजिक्स की फीस 2,000 है, टोटल 7,000 फीस है। एक साथ ज्वाइन करोगे 6,000 में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नीट 2020 पीसीबी प्रीमियम ज्वाइन किया था तो आपको 5,000 में मिल जाएगा, क्लियर। अब इसमें मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी, संडे को आपका रिवीजन होगा, और ये भी सारी क्लासेस संडे को हम क्या करेंगे, टेस्ट करवाएंगे आपका, सैटरडे को रिवीजन क्लास हम रख सकते हैं, और लाइव चलेंगी बेटा सारी क्लासेस। यूट्यूब पे देखिए आप इंटरेक्शन जो करते हैं आप केवल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ऐप पे क्लास होंगी वहां पर आप सामने बोल के भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब प्रारंभ बैच की बात करें, ये भी लाइव बैच है बेटा, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों की अलग अलग फी, केमिस्ट्री की 5,000, बायो की 10,000 और फिजिक्स की 5,000, ठीक है। एक साथ आप ज्वाइन करते हैं तो ये फी 15,000 में हो जाएगा, और अगर आप प्रारंभ बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको संकल्प बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फिर इसके लिए कोई पे आपको नहीं करना है, मतलब ये बैच आपके लिए एकदम फ्री हो जाएगा, और आपका जो प्रारंभ बैच आप मान के चलिए केवल 8,000 का पड़ेगा, यानी अगर आप 15,000 पे करते हैं तो आपको प्रारंभ और संकल्प दोनों बैच मिल जाएंगे। भौकाली बैच को हम सुबह भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं टाइमिंग देख लूंगा बेटा, ठीक है। हाँ, संकल्प बैच में आप चाहो तो केवल बायो भी ले सकते हो, चाहो तो केवल केमिस्ट्री ले सकते हो, चाहो तो केवल फिजिक्स ले सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो। गार्गी बेटा अगर पुरानी बायोनीट है तो अच्छा ये कि आप चेंज कर लो, नया ले लो, है ना, इतनी बचत करके क्या करोगे। तो हम लोग कल मिलते हैं बेटा, कल बिल्कुल बेटा शुदाम, अगर आज से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो नीट 2021 बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, लेकिन आज ही से शुरुआत करना, ठीक है, इसको कल पे मत डाल देना। मेंटी, हाँ मेंटी भी करेंगे बेटा, मेंटी कल से मैं कोशिश करूंगा कि मेंटी स्टार्ट करूं, ठीक है। एम्स में सिलेक्शन के लिए, एम्स अगर डेली आप चाहते हैं तो उसमें सिलेक्शन के लिए 690 नंबर चाहिए होंगे इस बार। पीयूष, पीएच में 350 नंबर है तो मिल जाएगा आपको। उमाकांत, 490 ओबीसी, यूपी में क्या मिल सकता है, यूपी में कुछ भी नहीं मिलेगा, प्राइवेट में आप चाहें तो ले सकते हैं, प्राइवेट में एमबीबीएस बीडीएस सब चीज आपको मिल जाएगी, बीएमएस बीएचएमएस जो भी। आयुष राज, बेटा नीट पेपर का लेवल कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन इतना आसान पेपर मुझे नहीं लग रहा कि अब कभी आएगा। मेंटी में कैसे जुड़ेंगे मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। नई बायोनीट बेटा समा परवीन आपको अमेजन फ्लिपकार्ट नीट बूस्टर पे मिल जाएगी और बुक शॉप पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। मेंटी ने है क्विज है, मैं कल उसके बारे में आपको बताऊंगा, कल इस सेशन में आप रहेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको ये ठान लेना है कि मुझे नीट 2021 में सिलेक्शन लेना है, एनी हाउ कितनी भी मेहनत करनी पड़े, ठीक है। हाँ बेटा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का क्रैश कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसको पढ़ लो और कल हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। रुचि बेटा अगर 2020 में आपने बायोनेट ली थी तो 2021 में मैंने बहुत सारे उसमें चेंजेस कर दिए हैं, अगर आपका मन करेगा तो आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको हर चैप्टर में 50 नए क्वेश्चन मिलते तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात है, फोटोकॉपी आप करवा लेना, ठीक है। हाँ, नया वर्जन जब आएगा आयुष तो मैं बता भी दूंगा आपको, ठीक, नया वर्जन जब आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, सारे बच्चों को बता दूंगा नए वर्जन के बारे में।
बेटा जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं करूंगा, ठीक है, हर एक बैच में, चाहे वो पेड बैच हो या फ्री बैच हो, जितना पॉसिबल है वो मैं करूंगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन आपको भी पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे संकल्प के साथ लग जाना है। सेट का टाइमिंग, हाँ ये भी मैं बता दूं बेटा, सेट के 3 रोज सेशन होते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिए। सेट सेट क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। ये भी मैं इस समय चैप्टर वाइज करा रहा हूं आपको, चैप्टर वाइज। सेट में क्या होता है, इसकी टाइमिंग जान लीजिए। बायो बायो की टाइमिंग, केमिस्ट्री की टाइमिंग और फिजिक्स की टाइमिंग। बायो की टाइमिंग होती है, केमिस्ट्री होता है 3 बजे, फिजिक्स होता है 3:30 बजे, और जो बायो की टाइमिंग होगी इसमें जब इसका प्रीमियर होगा बेटा वीडियो का, तो जब सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 4 बजे बायो का शुरू होगा, तो बायो का एक क्वेश्चन 15 सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन पे रहेगा, उसी दौरान आपको आंसर करना होगा नीचे लाइव चैट में, और उसके बाद 15 सेकेंड के बाद 1-2 सेकेंड के लिए उसका आंसर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो आपको सही आंसर पता भी चल जाएगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन में 30 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये सेट के थ्रू डेली बेसिस पर करीब करीब आप 100 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो अगले 200 दिन में आपके 20,000 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे बेटा, अगर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल आप करते हैं। 20,000 क्वेश्चन आज भी आपका सेट हो चुका है, डेली बेसिस पर ये सेट चलता रहता, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। हाँ, कल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हम करेंगे, ठीक है। कल कल का मतलब क्या है? 29 सितंबर 2020, ठीक है। कल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम शुरुआत करेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम शुरुआत करेंगे, और इसका क्रैश कोर्स आप पढ़ लीजिएगा। इसके करीब 90 क्वेश्चन हम कल यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे इसी टाइम पे, यानी 8 बजे। सेट के लिए कोई फी नहीं बेटा, सेट फ्री है, ठीक है। तुम लोग कहते हो ना कि सर कुछ तो फ्री रखिए, सेट फ्री है। भोकाली अभी जो मैंने सीरीज शुरू की ये फ्री होगी आपके लिए, अभी और कई सीरीज हम स्टार्ट करेंगे जो फ्री होंगी आपके लिए। केवल 2 बैच पेड हैं, प्रारंभ और संकल्प, ठीक है। हाँ, कल 8 बजे क्लास होगी बेटा, ठीक है। कल ये 8 बजे क्लास होगी, 8 PM पे हम लोग मिलेंगे। आप पढ़ के आइएगा इस चैप्टर को, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, और चाहे मैंने क्रैश कोर्स अपलोड कर रखा है, आप क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ लेना, वहां से ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे। बेटा सेट जो है, ये सेट अवेलेबल है यूट्यूब पे बेटा, इसी चैनल पे अवेलेबल है। जो अभी आप देखोगे यूट्यूब पे जाके, तो देखिए अपलोड में आप जाओ, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 1, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 3, बायो में 13 टेस्ट हो चुके हैं अभी तक, है ना। और डेली बेसिस पर 3 टेस्ट आपके होंगे, एक बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। टाइमिंग तीनों के लिए फिक्स है, इसी टाइम पे आप आएंगे। इस टाइम पे आप नहीं भी कर पाए तो बाद में भी आप दे सकते हैं इस स्ट्रेस को, ठीक है, बाद में भी दे सकते हैं, ओके। तो बेटा रहमान, अगर पिछले साल वाली बायोनीट की जगह पर आप नई ले सकते हैं, अगर आप इतना इतना पैसा है, 500-600 रुपए की नई बायोनीट आप परचेस कर सकते हैं, तो ले लीजिए, बेहतर है। नहीं ले सकते तो पुरानी वाली से पढ़िए, ठीक है। अंकिता, बिल्कुल बेटा, आप तैयारी शुरू करो इस बार, जैसे मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप लोगों नीट 2021 में बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। आलोक, आरटीएस में बेटा बायो एनसीईआरटी से रहेगा, मैक्सिमम 80% या 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से हम रखेंगे, ठीक है। उसके बारे में अलग से बता दूंगा बेटा, आरटीएस के बारे में, ओके बच्चों। शेफाली गौतम, बेटा मैं बता तो रहा हूँ कि जो चैप्टर है वो सब मैंने पढ़ा दिए, क्रैश कोर्स अपलोड है बेटा, उनको आप जाके एक बार देखो, तो फिर आप कल बताना मुझे, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं पढ़ा भी दूंगा आपको, पहले आप पढ़ो तो जाके एक बार, ठीक है। कल मिंटी भी करा देता हूँ दीपिका, बिल्कुल बेटा, ठीक है।
नहीं बेटा, देखिए अंकुर, कोई भी अगर आपको चाहे बीएमएस करना हो, बीएचएमएस करना हो, एमबीबीएस करना हो, बीडीएस करना हो, है ना, तो उसके लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी है। अब है बायोनीट बुक बेटा, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, जब नया एडिशन आएगा तो उसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा, ठीक है। कल हम लोग मिलेंगे, सारी बातें समझ में आ गई, कल 8 बजे हम लोग मिलेंगे भोकाल के साथ। आप भोकाल के साथ आइएगा पढ़ के, और हम भोकाली क्वेश्चन लेके आएंगे, और भोकाल से क्वेश्चन के आंसर आप करिएगा, और फिर मैं आपको उसका जो भी एक्सप्लेनेशन होगा भोकाल में बताऊंगा, ठीक है। बायोनीट का नया एडिशन बेटा 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो जल्दी से सेशन को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कल हम मिलते हैं, है ना, कल हम मिलते हैं 8 बजे, और कल से हम एक, मतलब शुरुआत तो आज से हमने कर दी है ना, और कल से एक नए जोश के साथ हम शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आपकी सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नीट में यहीं से पूछे जाते हैं बेटा। मेंटी इसी चैप्टर से, मान ली 90 क्वेश्चन है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि 60 क्वेश्चन लाइव करा दूं और 30 क्वेश्चन की मेंटी करा दूं, ऐसे भी हो सकता है ना, 60 क्वेश्चन लाइव और 30 क्वेश्चन मेंटी के थ्रू करा दूं। टेक, थैंक यू बेटा। सुशांत, नहीं बेटा, 540 एमबीबीएस मिलने का सवाल नहीं, प्राइवेट आप ले सकते हो। चलो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, लेकिन तुम लोगों ने देखो 13 सितंबर से लेके, और मुझे लगता है कि 28 सितंबर तक, पिछले 15 दिन में तुमने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब आज से और अभी से जाके पढ़ाई शुरू करो। चाहे तो एनसीईआरटी उठा लो, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर टारगेट में दे रहा हूं तुम्हें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चैप्टर चाहे एनसीईआरटी से जाके पढ़ो या फिर क्रैश कोर्स से पढ़ो, लेकिन आज पढ़ना शुरू करो, और कल इसके क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, कल इस चैप्टर के क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, कल हम मिलते हैं और पूरे भोकाल के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड लव यू बच्चों।